कल हमने बात की थी कि किस तरीके से हम अपने टेंशन को, अपने वरी को, अपनी एंजाइटी को अपने सर पे न रख करके किस तरीके से टेबल पे रखते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे और इस तरीके कितने तरह के जंजाल हमारे दिमागों में रहते हैं। देखिए, एक है जजमेंट। हम लोग सारा दिन क्या करते हैं, हर चीजों पे जजमेंट करते हैं, हर चीजों पे डिसीजन लेते हैं, रिमार्क करते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। और सिर्फ इसको उसको नहीं, हम डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोदी को वैसा करना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल को ऐसा करना चाहिए था, ममता बनर्जी को ये नहीं बोलना था। हम लोग दिन भर जो है ये जजमेंट करते रहते हैं। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं, बहुत गहराई में जाएं, तो आपको हंसी आएगी कि इन जजमेंटों का फायदा क्या है। अब नरेंद्र मोदी जो भी है आपके जजमेंट से अभी क्या आना जाना है। आपका जजमेंट तभी वैलिड होगा जब इलेक्शन हो, आपको वोट देना हो, तब आपके जजमेंट की दरकार है। अभी तो जो आप जजमेंट दे रहे हैं वो तो भीड़ में खो जा रहा है, लेकिन उसमें समय तो आपका जा रहा है, बुद्धि तो आपकी चल रही है। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा बुद्धिमान हो जाए कि व्यर्थ चीजों में वो जीत गया वो हार गया, अरे तू जीत गया हार गया तो क्या है, मेरे को 5 रुपया भी मिलेगा क्या? भारत की टीम जीत गई या हार गई मेरे को क्या मिलेगा? ठीक है, मेरे को कोई फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, चलिए वहां तक ठीक है, लेकिन बाकी जो है हम लोग जो जजमेंट करते रहते हैं इसके बारे में हम लोग को बहुत सोचने और समझने की आवश्यकता है। देखिए, आप इसको स्पिरिचुअली देखिए। स्पिरिचुअली क्या है? मैं जो आपसे बात कर रहा हूं या मैं जो हूं, ये क्या मेरा अस्तित्व है? इसको गहराई से सोचिए। मैंने कहां पे जन्म लिया, मेरे माता पिता कौन होंगे, ये क्या मेरा चॉइस था? मेरे स्किन का रंग क्या होगा, मेरे बालों का रंग क्या होगा, मेरी हाइट क्या होगी, ये क्या मेरा चॉइस था? नहीं। आज जो मैं काम कर रहा हूँ, ये क्या मेरा चॉइस था 100%? नहीं था। ये अगर आप गहराई से जा कर के देखेंगे तो ये सब जो है एक डिज़ाइन के थ्रू चल रहा है, ये एक नाटक है। और इसमें हम लोग बोलते हैं कि ये ईश्वर का बनाया हुआ नाटक है। ये हर भाषा में लोग बात अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन एक डिवाइन फोर्स है और वो डिवाइन फोर्स ही मेरे को चला रहा है, क्योंकि मेरी सांस कब तक चलेगी ये क्या मेरे हाथ में है? ये तो एक सुप्रीम पावर है ना, उसके हाथ में है ना। ये जो मेरे शरीर में ये जो सांस लेने की क्षमता है या ब्लड सर्कुलेशन की क्षमता है, डाइजेस्टिव पावर है, ये क्या मेरे माता पिता ने क्रिएट किया है? ये तो एक पावर है ना, एक ऐसा पावर है जो अरबों अरबों जीवों को चला रहा है। तो एक पावर है ना, भले ही आप उसको नेचर बोलिए, आप उसको ईश्वर बोलिए, आप उसको प्रकृति बोलिए, जो मर्जी बोलना हो बोलिए, लेकिन है तो सही वो एक पावर। आपके हाथ की तो बात नहीं है, दुनिया के किसी साइंटिस्ट के हाथ की बात नहीं है, दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के हाथ की तो बात नहीं है, कोई किसी की मृत्यु रोक सकता है? तो एक डिवाइन पावर है, भले ही आप उसको कोई भी नाम दें। तो ये डिवाइन पावर ने हर चीज को डिजाइन किया हुआ है। मेरे को ये शरीर का डिजाइन दिया है, तो क्या मैं पक्षी की तरह से बिहेव कर सकता हूँ? पक्षी को उस डिजाइन वो डिजाइन दिया है, तो वो क्या सांप की तरह से बिहेव कर सकता है? नहीं, सबको अपना अपना कैरेक्टर दिया है। ठीक है, जिस तरीके से सब जीव को अपना अपना कैरेक्टर दिया है,
उस तरीके से हर इंसान को भी उसने अपना अपना कैरेक्टर दिया है। तो हर कोई जो है अपना प्री डिस्टाइंड या प्री डिफाइंड पार्ट ही अदा कर रहा है। तो प्रैक्टिकली हम जितना भी जजमेंट करते हैं अनावश्यक होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज पे जजमेंट करते हैं तो वो जजमेंट हम किस पे कर रहे हैं? उस चीज पे नहीं कर रहे हैं, हम उस मेन क्रिएटर के ऊपर जजमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि ये आदमी बहुत खराब है, ठीक है, ये खराब जो मैंने जजमेंट किया किस हिसाब से किया भाई? ये भी तो उसी का क्रिएशन है ना, जिसके क्रिएशन मैं हूँ, ये भी उसी का क्रिएशन है। ईश्वर ने मेरे को ये नेचर दिया है, ये स्वरूप दिया है, ये भाषा दी है, उसको भगवान ने चाइनीज भाषा दी है, उसकी नाक चपटी कर दी है, उसकी स्किन गोरी बना दी है। तो हु एम आई टू क्रिटिसाइज, हु एम आई टू मेक ए कमेंट? तो हम लोग सारा दिन जो है इस तरीके से कमेंट करते रहते हैं। हाँ, जहाँ पे हमारे कमेंट की आवश्यकता है कि हमको एक चीज को स्टडी करके अपना कमेंट देना है, अपना जजमेंट देना है, अपना आइडिया देना है, वहाँ पे जरूर देना है। लेकिन ऐसे अनावश्यक हम बोलते रहते हैं, सारा दिन बोलते रहते हैं, अरे क्या मिलता अपने को? आप एनालाइज करके देखिए ना, पिछले 3 दिन में आपने कितने सारे जजमेंट किए हैं, कितने सारे कमेंट किए हैं, उससे आपको कोई फायदा हुआ या कोई परिस्थिति कहीं पे बदली? नहीं बदली। क्या हुआ? आपने अपना दिमाग खर्चा किया फोकट का, आपको फायदा की जगह उसका नुकसान हुआ है, राइट और रॉन्ग? देखिए, जो जजेस हैं, जिनको हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज और बड़े बड़े जितने भी जज हैं, वो भी हर चीज पे जजमेंट नहीं दे सकते हैं, कमेंट नहीं कर सकते हैं। उनके हाथ में जो केस होता है, जो फाइल होती है, सिर्फ वो उसी के ऊपर जजमेंट दे सकते हैं, वो और किसी चीज पर जजमेंट नहीं दे सकते हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज जो इतना पावरफुल होता है, उसका भी इतना लिमिटेड स्कोप है, और हमारा क्या अनलिमिटेड स्कोप है कि हर चीज पे कमेंट करते रहे हैं? तो ये एक चीज को समझिए और अपनी एनर्जी को कंजर्व करिए, अपनी एनर्जी को बचाइए, बेकार का कमेंट देने से बचिए, उससे कोई फायदा नहीं है, अपना मन खराब करके कोई फायदा नहीं है। देखिए, मैंने तो 3 लाइन सीखी है, और वो लाइन है, पहली लाइन है, ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दो जिस चीज का मैं परिवर्तन कर सकता हूँ उसका परिवर्तन करूँ, भगवान मेरे को इतना टॉलरेंस दो, इतनी सहन शक्ति दो कि जिस चीज का मैं परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ उसको मैं सहन कर सकूं। और तीसरी लाइन जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? ईश्वर मुझे इतनी बुद्धि दो कि मैं पहली और दूसरी में फर्क समझ सकूं, यानी कि इतनी बुद्धि दो कि मैं क्या परिवर्तन कर सकता हूँ और क्या परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ उसको समझ करके अपना बुद्धि, सोच और चिंतन लगाऊं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई ना? तो आज से नहीं, अभी से आप ये अपना नियम बनाइए कि जहाँ पे आपके जजमेंट से कुछ फर्क होने वाला है वहीं पे जजमेंट दीजिए, बाकी जजमेंट देके कोई फायदा नहीं। हम लोग रास्ते में चलते कमेंट करते रहते हैं, ये पुलिस वाले को ये ड्रेस पहनना चाहिए, रास्ते को ऐसे रिपेयर करना चाहिए, पेड़ वैसे लगाना चाहिए। अरे आपको अगर सच में कमेंट करना है तो जो पेड़ लगाने वाले हैं उनको आप लिख करके भेजिए, उनको सजेशन दीजिए। आपको पुलिस की एक्टिविटी के लिए कुछ है, कुछ शिकायत है कि वो लोग रास्ते में पैसा कलेक्ट करते हैं, तो आप एक प्रॉपर चैनल में जाकर के उसके बारे में कमेंट करिए, ऐसे आपने बोल दिया से क्या आना जाना है? तो इसमें क्या है, आप अपने को चीप बना लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो इसके बारे में आप
आज के इनर साइज के समय सोचिएगा और इसके बाद आपको इस चीज को तो छोड़ ही देना है। कल अपने बात करेंगे हमारे फियर, टेंशन, एंजाइटी, उन सब के बारे में, क्योंकि वो सब हमारे जीवन में बहुत बड़े बाधक हैं। उनकी वजह से हमारे ऐसी रस्सी बंध जाती है कि हम सफलता की ऊंचाइयों तक उड़ नहीं सकते। ठीक है, फिर देखिए सफलता की राहों में ये स्पिरिचुअलिज्म, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो मेटाफिजिक्स है, इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो भी कुछ होने वाला है, जो आपकी नजर में लगता है कि होने वाला है, वो सब हुआ हुआ पड़ा है। सिर्फ आपको वहां तक पहुंचना है। तो ये सब स्पिरिचुअल थ्योरी है, इसका अपनी सफलता की राहों में बहुत बड़ा काम है। तो जो मैंने आपको बताया कि सब कुछ डिजाइंड है, आप सिर्फ उसको प्ले कर रहे हैं। तो जब आप प्ले कर रहे हैं तो किसी के बारे में आपको जजमेंट लेने की क्या आवश्यकता है? किसी भी अवस्था के बारे में कोई जजमेंट लेने का आपको अधिकार ही नहीं है। तो आप अपने एरिया को क्रॉस करके जा रहे हैं और अपना समय और अपना दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरी आज आपको जानने को मिल रही है, ये इसीलिए मिल रही है क्योंकि आपके भाग्य में ये लिखा है कि आज से आप अपना चिंतन परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इनर साइज करेंगे और इनर साइज में आप ये चीज को एकदम पक्का कर लेंगे। तो सीधे होकर के बैठ जाइए, कमर को सीधी रखना जरूरी है। नीचे जमीन में बैठना चाहते हैं जमीन में बैठिए, कुर्सी पे बैठना चाहते हैं कुर्सी पे बैठिए, और आँख बंद करके तीन गहरी सांस लेंगे और सांस लेते समय सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे और पहली सांस में महसूस करेंगे कि सर से लेके पांव तक आप एकदम पूरा रिलैक्स हो गए हैं। दूसरी सांस में महसूस करेंगे आप हल्के हो गए हैं और पूरे शरीर में खुशी और प्रफुल्लता भर गई है। तीसरी सांस में महसूस करेंगे कि आप एक महान कार्य करने जा रहे हैं। आज अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग में एक ऐसा परिवर्तन करने जा रहे हैं जिससे आपके दिमाग में जो पूरा कूड़ा कचरा भर जाता था वो बंद हो जाएगा। ठीक है, सीधे होके बैठ जाइए, पहली सांस लीजिए, बदन पूरा रिलैक्स हो गया है। दूसरी सांस लीजिए, महसूस कीजिए हल्कापन, खुशी। तीसरी सांस लीजिए और अपने को देखिए, आप एक भाग्यशाली बुद्धिमान हैं। ईश्वर ने आपको सफलता की राह दिखाई है और आपको अपना जीवन सफल बनाना है और सफलता के लिए जो जो करना है वो सब आप छोटे छोटे कदमों के द्वारा उसकी तैयारी कर रहे हैं। आज आपके समझ में आ गया है कि मेरे को बेफिजूल के कमेंट्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जजमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे मित्र लोग भी कमेंट्स और जजमेंट जब करें तो मैं शांत रहूं, मैं उसमें नहीं ज्वाइन करूं, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे को मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम है कि इस सृष्टि पे जो भी कुछ हो रहा है सब वो प्री डिजाइंड है, आने वाला हर क्षण प्री डिजाइंड है और उसी में
मैं भी एक अपना रोल अदा कर रहा हूँ इतने बड़े ब्रह्मांड में, जहाँ पे करोड़ों तारे हैं, असंख्य जीव जंतु हैं, तरह तरह के पानी के जानवर हैं, तरह तरह के कीड़े मकोड़े हैं, तरह तरह के जानवर हैं। इतनी बड़ी सृष्टि में मैं तो एक कण के बराबर भी नहीं, और मैं कौन होता हूँ किसी चीज पे जजमेंट करने वाला। मेरे को अपने को देखना है किस तरीके से अपना समय और माइंड किस तरीके से अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके किस तरीके से अपना जीवन खुशहाल बनाऊं, हमेशा खुशी से भरपूर रहूं, इस जीवन को मीनिंगफुल बनाऊं, किस तरीके से अपने परिवार का अपने समाज का फ़ायदा करूं, किस तरीके से अपने देश का फ़ायदा करूं, किस तरीके से पूरे जग का फ़ायदा करूं। ये आपको रोल मिला है, अब इसके बारे में सोचिए। जिन चीज़ों के बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है उसको छोड़ दीजिए। अब 2 मिनट प्रण करिए, प्रतिज्ञा करिए कि अपने दिमाग से छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा जंजाल क्रिएट नहीं करूँगा। ठीक है, 2 मिनट आपके लिए समय है। आस्ते दोनों हाथों की एड़ियों को रगड़ते हुए आँख पे लगाएं, पूरे चेहरे को रिफ्रेश करें और महसूस करिए एक नया उजाला। आज से आप और बेहतर हो गए इस तरह का अनुभव करिए। आज के लिए इतना ही, कल इस तरह से और कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे। कल हम लोग डर के बारे में, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हम लोग के दिल में